Assalamualaikum. मैं हूँ रबिया फारूकी. आई एम अ प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, USA सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट. प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं ट्रांसफॉर्मेशंस वेलनेस क्लिनिक में. आज आस्क डॉक्टर इमरान में, डॉक्टर इमरान आपसे मेरा सवाल है ये. आजकल ड्रामों में और फिल्मों में ज़बरदस्ती और गुंडागर्दी वाले कॉन्सेप्ट को बड़ा रोमांटिसाइज किया जा रहा है, तो इसका स्पेशली यंग माइंड्स पर, टीनएजर्स पर क्या असर पड़ता है? बेटा आप तो ज़ाहिर एक यंग जनरेशन अभी आज कल की पैदावार हो ना, हम उस टाइम के टीवी देख रहे हैं जब सिगरेट को बहादुरी के साथ जो है वो शो किया जाता था. बल्कि सिगरेट पीने वाले को ये भी दिखाया जाता था कि वो शेर से जाके लड़ सकता है. यानी आप ये जो मैचोइज्म दिखाना था कि आपके अंदर पावर आएगी, बंदे के अंदर मैनहुड आएगी, उसका नुकसान आज हम क्या भुगत रहे हैं कि अब हमें हर तरफ से पाबंदी लगानी पड़ रही है कि आपने सिगरेट किसी भी हाल में नहीं पीनी है, और ये कितनी नुकसानदेह है. तो ये जब हम कल्चर के अंदर हम एग्रेशन दिखाते हैं तो हम इसको अब मैनहुड से, करेज से, बहादुरी से जोड़ने की कोशिश करते हैं. दूसरा, लोगों को लगता है कि क्योंकि नेगेटिव जो है वो ज़्यादा आता है लोगों पे, तो वो नेगेटिव अट्रैक्ट करने के लिए हीरो से ज़्यादा विलन को पसंद करना शुरू कर देते हैं. यानी उनको ये लगता है कि जी क्लिक्स किस पे ज़्यादा आएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उस पे लाना शुरू कर देते हैं कि जी हम इसको किसी तरीके से नेगेटिव को प्रमोट करें. ये नेगेटिव प्रमोशन फिल्म के लिए तो बहुत अच्छी हो सकती है, ड्रामे के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, रेटिंग के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन जो कैरेक्टर शैटर होता है उसका नुकसान हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव हीरोइज्म का क्या नुकसान हो रहा है. हमने बच्चों को खिलौना पिस्तौल से लूटते हुए देखा, उनके लिए सिर्फ एक थ्रिल था. ख़ास तौर से अब ये जिस तरह की ऐप्स आनी शुरू हो गई हैं, ये टिकटॉक और ये इस तरह की जो क्विक वाली हैं, इसको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इंसान क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है. तो उनको ये लगता है कि ये जो भी अट्रैक्ट करे वो सही है, चाहे वो नेगेटिव हो. इम्पैक्ट उसका ये आ रहा है कि टोटल जो है वो लोग अपने आप को ट्रैक से हट चुके हैं. लोग अपने आपको इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे, इम्प्रेस करने के लिए इस तरह की स्टुपिडिटीज कर रहे हैं. सही. और जहनी जिस्मानी नुकसान उठा रहे हैं. सही. इंतहा से ज़्यादा इसको डिस्करेज करना चाहिए. जो लोग ड्रामे दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको जिस तरह सिगरेट के ऊपर डिस्क्लेमर लिखा होता है ना, आई थिंक इसके लिए भी डिस्क्लेमर लिखना चाहिए. लेकिन वो डिस्क्लेमर पढ़ता कौन है? सिगरेट तो लोग फिर भी पीते हैं. अच्छा, मेरा ख्याल ये कि कई जगह अब जब आप अवेयरनेस तो देंगे ना, अवेयरनेस ही होगा कि आप उठ के चले जाएंगे. आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है वो सिगरेट जो है वो बंद कर दें. आप ही के किसी प्रोग्राम के अंदर मैंने एक दफ़ा ये कहा था कि वो बड़े अब्बा, ताया अब्बा, चचा अब्बा, फुप्पा अब्बा जो घर के अंदर बैठे हुए बच्चों के सामने सिगरेट पी रहे हैं, मेरी नज़र में वो कहीं से मोतबर नहीं है. कहीं से मोतबर नहीं है. बड़ी तमीज़ से उनको कह दें कि ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और ये हमारे लिए भी नुकसानदेह, और आपके इस शौक के लिए हम क्यों सफ़र करें, और ये किस बात के आदाब हो गए कि जो आप अपनी ज़िंदगी से भी खेल रहे हैं और हमारी ज़िंदगी से भी खेल रहे हैं. तो सेम ये जो आपने बात कही है कि ये कौन पढ़ेगा, पढ़े ना पढ़े, लेकिन हम बात तो कर रहे हैं ना. आज आपने जो सवाल किया वो इसीलिए किया ना क्योंकि इसकी ज़रूरत पेश आई थी. ठीक है. तो डॉक्टर इमरान, आपकी बात से जो मैंने मैसेज लिया है, अगर उसको हम वन लाइनर कर दें, तो वो ये है कि इतनी नेगेटिविटी मैं समझती हूँ सोचने से, कि ये गुंडागर्दी, जोर ज़बरदस्ती, सोचते भी रहेंगे तो सोचने से भी सर में दर्द हो जाता है. तो इसको अगर आप अपनी रियलिटी में लाने की कोशिश करेंगे तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए और देख लीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो किस जगह पे पहुँच जाएगी, और ऐसे ज़िंदगी चल नहीं सकती.